दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने FIR में जो भी बातें कही है उसे अब देखने के बाद सुशांत सिंह राजपूत के जो फैंस हैं वो अब बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ चुके हैं, क्योंकि सिर्फ पैसे के लिए रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत को इस कदर प्रताड़ित किया कि उनकी जान चली गई। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस केस में अभी भी बहुत से ऐसे पहलू हैं जो खुलकर मीडिया के सामने आना बाकी है, क्योंकि सुशांत के पिता ने जो बात बताई वो सिक्के का सिर्फ एक पहलू है, दूसरा पहलू अभी नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई है उसमें बॉलीवुड माफिया का बहुत बड़ा हाथ। रिया चक्रवर्ती तो इस पूरे खेल में एक छोटा सा मोहरा है जिसे एक जरिया बनाकर सुशांत सिंह राजपूत को रास्ते से हटाना था। इस बॉलीवुड माफिया ने रिया चक्रवर्ती को लेकर एक ऐसा खेल खेला है कि अगर कल को कोई बात बिगड़े तो उनका नाम सामने नहीं आ सके और जो भी फंसे वो रिया चक्रवर्ती और उनका परिवार इस मामले में फंसे। देखिए सुशांत के पिता ने FIR में जो बातें बताई है, रिया चक्रवर्ती के ऊपर जो FIR किया है उसमें ये सीधे सीधे तौर पर लिखा गया है कि सुशांत सिंह राजपूत एकदम फिट थे, उन्हें किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन रिया चक्रवर्ती के आने के बाद ही उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी। रिया ने दवाओं का ओवरडोज दिया, सुशांत सिंह राजपूत को घर में बंधक बनाकर रखा, उनके साथ हो सकता है मारपीट की घटनाएं भी हुई हो। सुशांत अपने घर वालों से, अपने माता पिता से, अपनी बहन से, अपने दोस्तों से फोन पर बात ना कर सके, इसके लिए रिया चक्रवर्ती ने उनका जो ओरिजिनल नंबर था उसे ब्लॉक करवा दिया, उसे बैन करवा दिया। उसके बाद भी जो नए नए नंबर, जो नए नए सिम कार्ड की बात सामने आई थी, उन सभी नंबरों को भी अगर कोई कॉल रिसीव करता था तो वो थी रिया चक्रवर्ती और उनकी फैमिली के मेंबर्स। रिया चक्रवर्ती ने यहाँ तक ये भी किया कि सुशांत जिस फिल्म में काम करेंगे उस फिल्म में मैं भी काम करूंगी, अगर उस फिल्म में मैं काम नहीं करूंगी तो उस फिल्म को सुशांत सिंह राजपूत साइन नहीं करेंगे। फिर सुशांत के मौत के कुछ दिन पहले रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत को छोड़कर चली जाती है, उनका घर छोड़कर चली जाती है और अपने साथ में जो भी सुशांत सिंह राजपूत के कीमती सामान थे, चाहे वो पैसे हो, ज्वेलरी हो, उनका क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, लैपटॉप हो या घर के जो जरूरी दस्तावेज थे, वो सब कुछ, यहाँ तक कि जो सुशांत सिंह राजपूत के इलाज के लिए जो दवाएं चल रही थी उन दवाओं के साथ वो फाइल जो डॉक्टर के पास ले जाई जाती है, उन सभी को लेकर रिया चक्रवर्ती अपने साथ चली गई। और गई तो गई, रिया चक्रवर्ती ने जाने के बाद सुशांत सिंह राजपूत को अपने फोन नंबर पे ब्लॉक भी कर दिया ताकि सुशांत सिंह राजपूत उनसे कोई भी संपर्क नहीं कर सके। सुशांत के पिता ने आगे अपनी FIR में ये लिखा कि और यही सब वजह है कि रिया चक्रवर्ती के इन सभी कारणों के चलते सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली। और दोस्तों यही जो आत्महत्या वाली बात सुशांत के पिता ने कही है ना, यही मुझे खटक रही है कि सुशांत के पिता ने ऐसा क्यों कहा कि सुशांत ने आत्महत्या की है, जबकि ये सीधे सीधे तौर पर दिख रहा है कि ये पूरा मामला हत्या का है। पहले तो ये बात है कि जो सुशांत सिंह राजपूत का एक बहुत ही साधारण सा केस था जिसकी तस्वीरें देखने के बाद, वीडियो देखने के बाद हम जैसे आम लोग ये पता लगा लिए कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या नहीं की है, उनकी हत्या हुई है। उसके बाद भी इस केस को 40 दिन तक लगातार घुमाया जाता है, उसमें कई तरह की लीपापोती की जाती है और जब उसके बाद लोगों ने देखा कि इसमें कोई भी चीज नहीं हो रही है तब सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने FIR करवा दी, क्योंकि जो सुशांत सिंह राजपूत के फैंस थे वो भी लगातार CBI जांच की मांग कर रहे थे और इस केस में किसी भी तरह से पीछे हटने की कोई भी जो बात थी ना वो नजर नहीं आ रही थी। कई ऐसे बड़े नेता अभिनेता थे जो सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने के लिए खुलकर समर्थन में सामने आने लगे, यहाँ तक कि कई ऐसे संगीतकार भी थे जैसे कि AR रहमान साहब, उन्होंने भी आकर फाइनली ये कह दिया कि इंडस्ट्री में भेदभाव होता है, उन्हें भी दरकिनार किया गया, उनके पास जो काम आने वाले थे उन्हें भी रोक दिया गया। और इस केस में अगर सबसे ज्यादा बॉयकॉट जिन लोगों का हो रहा है ना तो वो है महेश भट्ट, करण जौहर, सलमान खान, शाहरुख खान, आलिया भट्ट और ये सोनम कपूर, इस तरह के जो सेलिब्रिटीज हैं इन लोगों को लगातार बॉयकॉट किया जा रहा है सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म से, यहाँ तक कि लोग अब ये मूड बना चुके हैं कि इनकी फिल्मों को भी हम नहीं देखेंगे। देखिए फिर इस केस में एंट्री होती है सुब्रमण्यम स्वामी जी की, जिन्होंने इशकरण भंडारी को इस केस के लिए अपॉइंटमेंट किया और बाद में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी एक लेटर लिखा कि सुशांत सिंह राजपूत का जो मामला है उसकी CBI जांच होनी चाहिए और मोदी जी की तरफ से ये ग्रीन सिग्नल मिल गया कि आप इस केस को आगे बढ़ाइए, देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत के पिता से मिलने केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी गए थे उसी दिन ये मामला साफ नजर होता दिख रहा था कि अब आगे आने वाले समय में इसमें CBI जांच
होगी ही होगी। अब देखिए, जब इस केस में काफी सारी लीपापोती हो गई, 40 दिन तक इस केस में कुछ भी ऐसा साफ नजर होता हुआ नहीं दिख रहा था मुंबई पुलिस की तरफ से, ना मुंबई पुलिस मीडिया में कोई अपडेट कर रही थी कि हम अपने इस जो केस को किस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं, किस तरह की पूछताछ हो रही है, कोई भी जानकारी नहीं मिल रही थी। तब जाकर सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने पटना में रिया चक्रवर्ती के ऊपर FIR कर दिया। और जैसे ही रिया चक्रवर्ती को FIR होने की बात पता चली, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ऐसे वकील को अपॉइंटमेंट किया जिसका नाम सुनने के बाद अब ऐसा लग रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है अब बहुत ही ज्यादा लंबा चलने वाला है। यहाँ तक कि रिया चक्रवर्ती अपने घर से भी अंडरग्राउंड हो चुकी हैं, वो कहाँ जाकर छुप गई हैं इस बात की कोई जानकारी नहीं है। और मुझे लगता है रिया चक्रवर्ती उसी वक्त सामने आएंगी जब उनकी बेल हो जाएगी। तो दोस्तों, रिया चक्रवर्ती ने जिस वकील को रातों रात इस केस के लिए हायर किया है कि वो रिया चक्रवर्ती इसको इस मुसीबत से बचा सके, तो उस वकील का नाम है सतीश माने शिंदे। ये ऐसे वकील है जो अपनी पर हियरिंग के लिए 10 लाख रुपए चार्ज करते हैं। अब इंडिया टुडे में जो मैंने देखा था कि ये पर हियरिंग के लिए 10 लाख रुपए चार्ज करते हैं, यानी अगर ये 1 घंटे के लिए भी जाते हैं किसी केस को हैंडल करने के लिए कोर्ट में, तो ये 10 लाख रुपए ले लेते हैं। तो ये तो पुरानी इनकी जो चार्जेस है वो थी, अगर आज की जो चार्जेस है उसके बारे में पता नहीं है, लेकिन मैं ऐसा मानकर चलता हूँ कि हो सकता है ये जो चार्जेस है वो 15 से 20 लाख के आसपास हो, 25-30 लाख भी हो सकते हैं। अब देखिये, सतीश माने शिंदे कोई छोटे मोटे वकील नहीं है, ये वकालत की दुनिया में और कानून की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है। सतीश माने शिंदे वही वकील है जिन्होंने संजय दत्त को मुंबई ब्लास्ट का जो मामला चल रहा था उस केस से बाहर निकाला, और बड़ी सावधानी से बाहर निकाला। अगर सतीश माने शिंदे नहीं होते तो संजय दत्त आज शायद आजीवन कारावास की सजा झेल रहे होते। फिर चाहे सलमान खान का हिट एंड रन वाला केस हो, उसमें भी सलमान खान को सतीश माने शिंदे ने ही बचाया। फिर चाहे पालघर में जिन साधुओं के ऊपर अप्रैल महीने में मॉब लिंचिंग हुई थी, उस केस को भी सतीश माने शिंदे ही हैंडल कर रहे हैं। तो ऐसे कई बहुत सारे बड़े केसेस हैं जिनके लिए सतीश माने शिंदे को जाना जाता है कि वो हर केस को बड़ी सावधानी से लड़ते हैं और उसमें जीत मिले ऐसा वो काम करते हैं। तो दोस्तों, अब बात आती है रिया चक्रवर्ती की। जिस लड़की की उम्र 28 साल है, जिसने अपनी जिंदगी में गिनकर 6-7 फिल्में की हैं, वो भी सारी की सारी फ्लॉप। तो रिया चक्रवर्ती के पास, जब रिया चक्रवर्ती को इस बात की पूरी जानकारी है कि जब उनके ऊपर केस चल रहा है तो उन्हें आने वाले समय में कोई फिल्म नहीं मिलेगी, कोई ब्रांड्स नहीं मिलेंगे, तो रिया चक्रवर्ती के पास इतने पैसे कहां से आ गए कि वो सतीश माने शिंदे जैसा इतना बड़ा वकील हायर करती हैं खुद को बचाने के लिए। जबकि रिया चक्रवर्ती खुद सुशांत सिंह राजपूत से इस वजह से जुड़ी थी कि वो सुशांत सिंह राजपूत के साथ जुड़े, उनके पैसों पर ऐश करे, और जब तक पैसे रहेंगी वो ऐश करेंगी, उसके बाद जिस तरह से वो निकली वो हम सभी को पता है। देखिए, इस बात को तो मैं मानकर चलता हूँ कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत के जो 17 करोड़ रुपए उड़ा दिए, वो मुझे लग रहा है कि वो रिया चक्रवर्ती ने खर्च कर दिए होंगे, इसीलिए जो भी हाथ लगा, चाहे कैश हो, ज्वेलरी हो, लैपटॉप हो, वो रिया चक्रवर्ती अपने साथ लेकर चली गई, या तो फिर सबूत मिटाने वाली बात हो वो अपने साथ लेकर चली गई। तो फिर ऐसा कौन शख्स है जो रिया चक्रवर्ती को इस केस में साथ दे रहा है? और ये वही लोग हैं जो रिया चक्रवर्ती को एक मोहरा बनाकर सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी में उन्होंने प्लॉट किया था और सुशांत सिंह राजपूत को हटाने के लिए बहुत ही बड़ी प्लानिंग की थी। क्योंकि इन लोगों को एक बात बहुत अच्छी तरह से पता थी कि सुशांत सिंह राजपूत जो एक आउटसाइडर है और इतने कम समय में उसने जितनी फिल्में की सारी सुपर हिट रही, 150-200 करोड़, 300 करोड़ की कमाई करती है, तो हो सकता है कि कल को ये लड़का हमारे लिए खतरा साबित हो सके। इसके पास 8 से 10 फिल्में पहले से ही एडवांस में पड़ी हुई हैं। 2022 तक सुशांत सिंह राजपूत एकदम बिजी थे, तो इस सुशांत सिंह राजपूत नाम के लड़के को रास्ते से हटाना बेहद जरूरी है। इसलिए रिया चक्रवर्ती को उन लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी में लाकर एक बहुत ही बड़ी प्लानिंग रची जिसमें वो सफल भी हुए। अब देखिए, कल को जब रिया चक्रवर्ती को इस केस में बेल मिल जाएगी, उनके वकील जो है सतीश माने शिंदे रिया चक्रवर्ती को इस केस में बेल दिला देंगे, तो सबसे पहला काम रिया चक्रवर्ती कुछ दिन के बाद ये करने वाली है कि मान लीजिए कि कहीं कल को बहुत बड़ी बाढ़ आती है, तो रिया चक्रवर्ती सबसे पहले वहां पर डोनेशन करेंगी। हो सकता है कल की इंडियन आर्मी को भी डोनेशन करे, हो सकता है बहुत सारे NGOs में जाकर वो लोगों को, गरीबों को खाना खिलाए, बहुत सारे डोनेशंस करे, हो सकता है एनिमल राइट्स के लिए वो लड़ने लगे। पूरी बात यह होगी कि रिया चक्रवर्ती अब आने वाले समय में, मुझे ऐसा लग रहा है, जैसा कि मेरा एक्सपीरियंस है, जैसे मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं, आप सभी ने भी देखे हैं, कि हर गुनाहगार
अपने आप को बचाने के लिए इस तरह के काम करता है। अपनी जिंदगी में वो दानवीर कर्ण बन जाता है और अपने सारे पाप को छुपा लेता है। फिर बाद में क्या होगा कि रिया चक्रवर्ती हो सकता है आने वाले समय में बहुत ही जल्दी 1 या 2 साल के अंदर शादी कर ले। हो सकता है कि उनके 1 या 2 बच्चे भी हो जाए। फिर कल को जो उनके वकील होंगे रिया चक्रवर्ती के, वो केस में ये दलील देने लगेंगे कि माय लॉर्ड, ये जो रिया चक्रवर्ती है ये बहुत ही मासूम लड़की है, इसको जिंदगी में फंसाया जा रहा है, इसके 2 बच्चे हैं, इन बच्चों की देखभाल कौन करेगा, रिया चक्रवर्ती के माँ बाप बूढ़े हो चुके हैं और भाई के भरोसे छोड़ नहीं सकते हैं। हो सकता है भाई की शादी हो जाए, भाभी अपने साथ ना रखे, रिया चक्रवर्ती के पास कोई पैसे नहीं है, तो ऐसे में उनके बच्चों की देखभाल कौन करेगा। तो रिया चक्रवर्ती को माय लॉर्ड बाइज्जत बरी कर दीजिए। और हो सकता है ऐसा हो भी जाए, क्योंकि क्या होता है ना, हम सभी को पता है कि अदालतों में जो केस चलते हैं ना वो साल दर साल चलते जाते हैं और इसी तरह से हर केस को गुमराह किया जाता है। जब तक आप उस वकील को पैसे देते रहेंगे तब तक आपका केस बड़ी सावधानी से बड़ी चतुराई से लड़ा जाता रहेगा। जिस दिन आप पैसे देना बंद करेंगे उस दिन आप समझिए आपका काम तमाम हो जाएगा। तो रिया चक्रवर्ती को सपोर्ट करने वाले बहुत सारे लोग हैं, पैसे की रिया चक्रवर्ती को कोई कमी नहीं होगी और उनका केस यूं ही चलता रहेगा साल दर साल। तो इसीलिए इस केस में सीबीआई का आना बेहद जरूरी है। जब तक इस केस में सीबीआई नहीं आती है ये केस बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत घुमाया जाता रहेगा। वरना सोचिए, जिस संजय दत्त का नाम मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट जैसे इतने बड़े केस में आता है, जिस बॉम्ब ब्लास्ट में न जाने कितने ही लोगों ने अपने परिवार के लोगों को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया, कितने लोग अपाहिज हो गए जो आज तक उस दर्द को लगातार झेले जा रहे हैं, क्या वो संजय दत्त को हीरो मानेंगे क्या? अब सोचिए संजय दत्त पहले किस तरह की फिल्मों में काम किया करते थे, खलनायक, वास्तव, कांटे, हथियार, यानी हर वो फिल्म जिसमें वो अंडरवर्ल्ड के डॉन की तरह दिख सके, एक गैंगस्टर की तरह दिख सके, उनकी जो बॉडी इमेज थी उन्हें देखकर लोग उनसे डरे कि अरे ये तो वाकई गैंगस्टर, इस तरह की फिल्में किया करते थे जिसे लेकर उनकी एक इमेज पहले से ही खराब थी कि इनका नाम मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट जैसे बड़े आपराधिक मामले में शामिल है, ऊपर से ऐसी फिल्में करते हैं। तब उन्हें किसी ने आइडिया दिया होगा कि आप ऐसी फिल्म करो जिससे आपकी इमेज सुधर सके। विधु विनोद चोपड़ा और राजकुमार हिरानी जैसे जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर संजय दत्त की जिंदगी में आते हैं, वो संजय दत्त को लेकर एक फिल्म बनाते हैं, मुन्ना भाई MBBS। फिर उसके बाद बनाते हैं लगे रहो मुन्ना भाई। और ये फिल्में देखने के बाद संजय दत्त के जो फैंस थे उन्होंने यही होर्डिंग लेकर, ये बैनर्स लेकर डिमांड किया कि संजय दत्त बहुत अच्छा काम करें, गांधीगिरी का काम करें, वो जेल में जाकर भी एक गांधीवादी जो नियम है उसे फॉलो करें, वो सुधर चुके हैं, उन्हें छोड़ दिया जाए, उन्हें माफ कर दिया जाए, उनकी सजा जो भी है जेल की उसे कम कर दिया जाए, उन्हें अच्छे आचरण के लिए छोड़ दिया जाए। और हुआ भी ऐसा ही, संजय दत्त बहुत ही कम समय में जेल से बाहर आ गए अपनी सजा काट। वरना अगर सतीश माने शिंदे नहीं होते तो संजय दत्त आज सलाखों के पीछे आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे होते। अब फिर सोचिए उसके बाद क्या हुआ, इतने से भी जब पेट नहीं भरा तो संजय दत्त ने अपने जीवन के ऊपर बायोपिक बना दी संजू, जिसे देखने के बाद तो भाई पूरी दुनिया इस कदर पागल हो गई कि अरे यार संजय दत्त तो इतने सीधे थे, इस बंदे को तो ड्रग्स के बारे में भी मालूम नहीं था। जिस बंदे को ड्रग्स के बारे में नहीं मालूम है वो भला AK-47 के बारे में क्या जानेगा, एक 25 साल का ही तो लड़का है, उसे क्या पता है AK-47 क्या होता है, ड्रग्स क्या होता है, भाई ये तो बेगुनाह, इसे छोड़ दिया जाए। फिर आता है सलमान खान का हिट एंड रन केस वाला, काले हिरन का केस, कई सारे फिल्मी सितारों के साथ मारपीट वाले केस। तो जो सलमान खान की इमेज थी बैड बॉय वाली, उसको गुड बॉय में बदलने के लिए उनके पिता सलीम खान ने क्या किया कि आप भाई बीइंग ह्यूमन नाम का एक फाउंडेशन खोलो, उसमें गरीबों की मदद करो, फिल्मी दुनिया से जो लोग जुड़े उनकी मदद करो, जो भी बड़ी बड़ी बीमारी से जूझ रहे हैं उनको पैसे से मदद करो, फिर आपकी जो इमेज है वो एकदम सुधर जाएगी। हुआ भी ऐसा, फिर सलमान खान के जो फैंस थे वो सलमान खान के भाई दीवाने हो गए कि भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप भाई की सजा कम करवाओ यार, ऐसे नहीं चलेगा। अरे यार सिंपल सी बात है, किसी की जान लेकर डोनेशन करना कौन सी बड़ी बात होती, अगर ये काम हमें और आपको करना होगा, हमारे पास पैसे होंगे तो हम भी एक अच्छे इंसान बन सकते हैं भाई, पैसे डोनेशन कर करके। देखिए ये होता क्या है ना कि इमोशन ऐसी चीज है ना जिसे आप कहीं भी किसी वक्त भी किसी भी तरीके से बेच सकते हैं। ये मेरा फेवरेट एक्टर है, मैं इसके बारे में कुछ भी बुरा नहीं सुन सकता, अगर तुमने बोला तो ठीक नहीं होगा भाई। लेकिन सोचो यही चीज, यही गलत चीजें कल को अगर आपके और आपके परिवार के साथ हो जाए और फिर कोई बोले कि यार ये तो बहुत बढ़िया एक्टर है, फिर आपको कैसा लगेगा, ये कमेंट करके जरूर बताना। अब सोचिए सलमान खान को लगातार सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी भाईजान सोशल मीडिया पर आकर, ट्विटर पर आकर अपने फैन से ये डिमांड करते हैं, ये गुजारिश करते हैं, ये रिक्वेस्ट करते हैं
कि आप सभी सुशांत सिंह राजपूत के जो भी फैंस हैं उनकी भावनाओं की कद्र कीजिए, वो इस वक्त इमोशन में हैं, उनका साथ दीजिए, उनके साथ किसी भी तरह का गंदा बर्ताव मत कीजिए। अब देखिए इस केस में जो लगातार सीबीआई जांच की मांग हो रही थी, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये केस कुछ दिन और आगे बढ़ने वाला है, इसमें और भी बहुत सारी लीपापोती होने वाली है, क्योंकि इस केस में अब आ चुकी है बिहार पुलिस। अब बिहार पुलिस और मुंबई पुलिस एक दूसरे से किस तरह से इस केस को आगे बढ़ाते हैं, किस तरह से सॉल्व करते हैं, उसमें भी 2-3 महीने तो ऐसे ही निकल जाएंगे। क्योंकि जैसे ही कल सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने रिया चक्रवर्ती पर FIR किया, रिया चक्रवर्ती रातों रात सतीश माने शिंदे को एज अ वकील हायर कर लेती हैं अपना केस लड़ने के लिए। फिर आज क्या होता है कि मुंबई पुलिस ये कहती है कि हम सुशांत सिंह राजपूत की जो मुंबई वाली बहन है मीतू, उन्हें लगातार पुलिस स्टेशन में अपना बयान दर्ज करने के लिए बुला रहे हैं, लेकिन मीतू नहीं आ रही हैं। कभी वो बहाना कर देती हैं कि मुंबई में बाढ़ का पानी जमा हुआ है, तो कभी वो किसी रिश्तेदार को गुरुग्राम में देखने के लिए गई हैं, वो मुंबई नहीं आ सकती हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद जो सुशांत सिंह राजपूत की बहन है मीतू, वो अपना बयान तभी दर्ज करेंगी जब उन्हें लगेगा कि इस केस में सीबीआई जांच की मांग हो। अब जो बिहार पुलिस पटना से आई है रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार करने के लिए, उसे भी इसी तरह से घुमाया जाएगा, कई दिन तक घुमाया जाएगा, क्योंकि रिया चक्रवर्ती कहाँ गायब होगी वो तो बिहार पुलिस ढूंढते ही रह जाएगी, क्योंकि मुंबई पुलिस का साथ मिलेगा बिहार पुलिस को, ऐसा मुझे डाउट लगता है। दोस्तों इस वीडियो को लेकर अब आप सभी की क्या राय है वो कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक देखते रहिए आपकी बात मुकेश के साथ। धन्यवाद।